मेरा पहली बारी है एक्सपेंडेबल्स अवार्ड पे, तो मैं बहुत खुश हूँ. मीडिया के बगैर आर्टिस्ट लोग अपने आप को बहुत खाली महसूस करते हैं, तो चाहे आप अच्छा लिखें, चाहे बुरा लिखें, चाहे कुछ भी बोले, आपके बिना बहुत सूना सूना सा लगता है. तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सब लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं. मैं एक बात बोलना चाहूँगी, परसों भी हमने एक शूट किया था, तो शूट का पूरा फुटेज पहले वो सब लोग लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे शूट ख़त्म होने के बाद उस फुटेज का मतलब वो लोग डाउनलोड करते हैं. तो दे वर्क आई थिंक 28 आवर्स इन 24 आवर्स, तो उनके लिए मैं सच में सलूट मारती हूँ. एंड आई रियली रिस्पेक्ट द मीडिया. आप अच्छा लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बुरा लिखते हैं तो अपने आप को मतलब फिर रात में सोने को बहुत मुश्किल होती है, और क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मज़ा आता है, क्योंकि आई थिंक बिना क्रिटिसिज्म के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द मीडिया ऑफ इंडिया ऑफ मुंबई. तो फ्रॉम माई साइड सलूट, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. थैंक यू सो मच. मेरा कॉस्ट्यूम जो है, इट हैज़ बिन डिज़ाइंड बाई डियोर, सो आई एम वेरी हैप्पी टू वेयर इट, एंड आई हैव बिन स्टाइल्ड बाई माई स्टाइलिस्ट कॉल्ड मैक्सी, सो वेरी हैप्पी टू वेयर दिस. ये सब मुझे नहीं पता, आई प्रेफर बीइंग आर्टिस्ट. लेकिन मैं जब भी लोगों से सवाल पूछती हूँ तो लोग कहते हैं कि मैडम आप पिछले लाइफ में जर्नलिस्ट थी क्या, क्योंकि जिस तरीके से अब मैं सवाल करती हूँ लोगों से, तो उनको लगता है कि हाँ शायद मेरे में कोई पिछले जन्म का जर्नलिस्ट रहा होगा, क्या पता. थैंक यू थैंक यू. ऑन माई प्रोफेशनल फ्रंट आई एम शूटिंग टोटल धमाल एंड वेरी हैप्पी टू शूट दैट, एंड आई हैव साइंड अ वेरी बिग फिल्म आफ्टर दैट, सो आई विल अनाउंस दैट वेरी सून. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि आई थिंक साल में जितने भी इवेंट्स होते हैं, इट्स ऑल अबाउट द इवेंट, ब्रांड, मूवीज, प्रोडक्ट्स, सेलिब्रिटीज, बट इट्स नेवर अबाउट लोग जो इनके पीछे रिलेंटलेसली काम करते हैं, जैसे आप लोग हैं, द फोटोग्राफर्स, द जर्नलिस्ट, एवरीबॉडी. सो टुडे इज अ डे दैट इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू. आई कैन सी, मतलब द मोमेंट आई एंटर आई कुड सी फोटोग्राफर्स हैविंग अ ह्यूज स्माइल ऑन देयर फेस. सो दिस डे इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू ऑल, एंड मैं यहाँ पे अपने छोटे तरीके से थैंक यू बोलने आई हूँ, बिकॉज आप हैं इसलिए हम हैं. सो थैंक यू, एंड आई थिंक एक्सपेंडेबल्स इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव. बहुत अच्छा है कि आप लोगों के लिए एक दिन बनाया गया, एक अवार्ड नाइट्स बनाई गई. आई थिंक इट्स रियली रियली नाइस, गुड थॉट. Journalist, her name is Avantika, and I play a journalist, so yeah, there you go. And anything else that you would like to share to the viewers about the media family, you know? In fact, yes, I would want to share. I think jo log ghar mein baithke newspapers padhte hain, magazines padhte hain, news channels dekhte hain, hum sirf jo content hota hai wo sunte hain, jo content hota hai wo dekhte hain, but ye nahi sochte ki iske peeche jo log hain, jo log ट्राईपॉड लेके कैमरा लेके खड़े हुए हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो कितनी मेहनत है, यू नो, बिकॉज वी नो एज सेलिब्रिटीज व्हेन वी गेट आउट ऑफ कार्स एंड इवेंट्स, पीपल आर वेटिंग फॉर अस. सो देयर इज सो मच ऑफ हार्ड वर्क दैट एक्चुअली गोज बिहाइंड कन्वेइंग व्हाट इज हैपनिंग इन टू टू द एंड ऑडियंस. सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट इज वेरी रिलेंटलेस, लॉट ऑफ पैशन यू नीड. सो मेरे तरफ से थैंक यू, लाइक थैंक यू. जैसे जैसे आपका काम अगर ऑडियंस पसंद करती है, एंड
उसके लिए प्रशंसा मिलती है तो बहुत खुशी होती है. ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो. सो यू गेट एनकरेज टू डू मोर वर्क एंड डू बेटर वर्क एंड नॉट लेट योर फैंस एंड ऑडियंस डाउन. थैंक यू. थैंक यू. सिर्फ एक्सपेंडेबल को सपोर्ट करने आई हूँ, रितेश को सपोर्ट करने आई हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है. हम जर्नलिस्ट हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं तो यू नो इट्स अ लाइमलाइट फॉर जर्नलिस्ट, सो व्हाई नॉट. थैंक यू. और क्या बोल सकती हूँ, आई एम देयर टू सपोर्ट एक्सपेंडेबल. शुरुआत है, आगे तो बहुत दूर जाने वाला है. शुरुआत ऐसी की हमने जिस टिप ऑफ द आइसबर्ग टच किया है तो बहुत दूर जाना है. थैंक यू. ये इनिशिएटिव ही इतना बड़ा है और मीडिया लोग, मीडिया फ्रेंड्स को वी आर गेटिंग अवार्ड्स एंड वी आर रिस्पेक्टेड फॉर दिस. दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस. इतने सारे सेलिब्रिटीज के इवेंट हो रहे हैं आज, सेलिब्रिटी वाली मीटिंग आ रही है. हाँ, और नर्वसनेस भी हो रही है. अब पता चल रहा है सेलिब्रिटीज को कैसा लगता होगा इतने सारे कैमराज के सामने. थैंक यू. मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ लॉ कॉलेज की. मुझे फ्री प्रेस जनरल के एडिटर चंद्रशेखर पंडित जी की बहू मैं, इसलिए मीडिया से मैं बहुत, वैसे मेरे करीबी रिलेशन रह चुके हैं. और आज जब मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ और पढ़ाते, मुझे लगता है कि जितना कानून ज़रूरी है उतना ही मीडिया जो काम कर रही है बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन काम मीडिया कर रही है. अगर मुझे ऐसे लगने लगा कि अगर मीडिया नहीं होता तो हम बिलीव नहीं कर सकते क्या होता था. जैसे एग्जाम्पल लोग देते हैं कि ये होता वो होता, लेकिन मैं कहूँगी अगर मीडिया नहीं तो हम आज के दौर में हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे. हम कहीं खड़े नहीं रह सकते. और आई एम रियली, मुझे बहुत खुशी हुई जब ही वसीम ने मुझे कहा कि आज प्रोग्राम है, मीडिया ने मीडिया के लिए रखा हुआ प्रोग्राम है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है. All the best, all of you. Thank you so much. Thanks. It's one of those rare occasions where media is standing here
एंड बीइंग ऑनर्ड. हर दिन हम लोग हमेशा रेड कार्पेट के उस साइड होते हैं, सेलिब्रिटीज़ के लिए वेट करते हैं. आज हम स्टेज पे जाएंगे, हमारी मेहनत जो इतने पूरे पूरे साल में हम जो पूरे दिन लगे रहते हैं, कैमरा पर्सन, रिपोर्टर्स, उन सबकी मेहनत को जब ऑनर किया जाएगा तो इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर बोथ ऑफ अस. यस इट इज़, एंड इट्स वेरी स्पेशल फॉर अस बिकॉज वी ऑल वर्क वेरी हार्ड ऑल थ्रू आउट द डे. यू नो सम पीपल इवन आर नॉट वेरी नाइस टू अस ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम. सो यू नो वी गो थ्रू सो मच एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ व्हाट वी गो थ्रू. सो इट्स नाइस टू बी अप्रिशिएटेड फॉर अ चेंज. हमेशा दूसरों के ही अवार्ड फंक्शन में, जैसे अवार्ड फंक्शन में हमेशा स्टार के लिए अवार्ड फंक्शन आए थे, जो भी हम अच्छा सब कुछ किए, लेकिन आज कैसा लग रहा है कि आज खुद एक अवार्ड लेने के लिए अवार्ड फंक्शन में आप मीडिया के वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है, एक सेलिब्रिटी वाला फीलिंग होता है. आई थिंक सबसे स्पेशल बात इन इस अवार्ड की है कि वी आर ऑनरिंग कैमरा पर्सन. आई थिंक दे आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड सबसे इग्नोर्ड लॉट है वो मीडिया में. चाहे वो किसी की डेथ हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, दे आर स्टैंडिंग देयर सिंस 24/7 मॉर्निंग से लेकर रात तक विदाउट ईटिंग एनीथिंग, एंड दे नीड टू बी लॉडेड, दे नीड टू बी अवॉर्डेड. सो दैट वे इट फील्स ग्रेट. एंड हम लोग वी आर गेटिंग जर्नलिस्ट टू परफॉर्म ऑन स्टेज लाइक स्टार्स. सो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी स्पेशल फीलिंग. इट्स लाइक हम घर पर है और यू नो वी आर हमारा फंक्शन है. सो दिस इज इवन मोर स्पेशल बिकॉज इट्स फॉर अस, बाय अस, ऑल ऑफ अस आर देयर. सो इट्स सो या स्पेशल. Congratulations to you all, and I think a lot of more people should come and just celebrate with you, and that is the reason why I'm here and I'm honored to be part of it. Thank you. Sorry? Kitna mood hai jo media utarne ke liye industry ke liye karte hain? I think media bahut important role play karti hai kyunki aaj jo bhi kuch matlab agar aaj hum hain to media ek parallel stream hai. आज हम जो भी कुछ हैं, मतलब जितना भी हम, हमें लोग ऑफ स्क्रीन जान पाते हैं, हु आर वी, मतलब ये जो हम हैं ऑन स्क्रीन एंड वी आर डिफरेंट इन रियल लाइफ, तो हमें लोगों के और करीब मीडिया लाता है. मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग अस बोथ. क्या मैसेज है मीडिया पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज स्टे एज ऑनेस्ट एज यू गाइज कैन, और यू गाइज आर एनीवेज डूइंग अ ग्रेट जॉब, जस्ट कीप इट अप. थैंक यू. It's lovely to see people who are behind the camera and who just fight their days, I mean fight from morning to evening, and to give people the real picture of the inside of the industry. So I think it's absolutely beautiful. It's, and I feel blessed to be a part of it. Thank you so much. Thank you. बस मैं चाहती हूँ आप सबको अवार्ड मिले बिकॉज आप सब अवार्ड के हकदार हैं, और
मैं समझती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों के घर में फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होती है, होली होती है, तो आप लोग हमें कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, और मैं जानती हूँ कि आप लोग वो मिस कर देते हैं अपने घर की होली, अपने घर की दिवाली, अपने घर के फेस्टिवल्स। तो अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों को बहुत मैनेज करनी पड़ती है। आप हमसे कनेक्टेड रहते हैं तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज मेरे फैंस, और मतलब मेरे फैंस अगर मुझे पर्सनली जानते हैं तो बस आप वजह, आप लोगों की वजह से। तो आज मैं आई हूँ तो सिर्फ आपके लिए, और चाहती हूँ कि आप सबको अवार्ड मिले। यस, वही मैंने बोला कि बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मेरे, अगर लोग मुझे दिवाली मनाते हुए देख रहे हैं, होली मनाते हुए देख रहे हैं, तो वो सिर्फ आप ही हैं जो उनको मेरी पर्सनल लाइफ शेयर करा रहे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं, मैं पर्सनली कैसी हूँ, मैं कैसे दिवाली या बाकी चीज़ें सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो वो आप ही हैं जो हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और अपनी दिवाली, अपनी होली मिस करके आप वो उनको दिखाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ छोड़कर हम लोगों को, हम लोगों का एक रूप जो है ऑडियंस को दिखाते हैं। तो आप सब डेफिनेटली अवार्ड्स के हकदार हैं, और आपको सबको अवार्ड मिलने चाहिए। देखिए, जब मुझे दिया और बाती हम मिला था, तब भी मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं आगे ये करने वाली हूँ। तो फ्यूचर बहुत मतलब अनप्रडिक्टेबल होता है, बट यस, मैं क्रॉस द फिंगर और यही कोशिश करती हूँ कि जिस तरह का रोल मैंने किया है, उससे और अच्छा रोल, एक इंस्पायरिंग रोल में मैं दिखूँ आप सबको। तो वही मेरी खोज जारी है, तो जैसे कुछ मिलता है, आप लोग तो हैं ही साथ में, तो आपको तो सबसे पहले पता चलेगा। बाय। एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे ही आई सब लोग ऐसे भी शूट कर रहे थे, मैंने सोचा कि आज तो आप लोगों को मुझे शूट करना चाहिए कायदे से, बिकॉज ये आपका दिन है। आई एम वेरी श्योर, एंड दिस इज़ सो एक्साइटिंग, दिस इज़ सो नाइस कि यू नो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। वी हैव सीन योर गाइज वर्किंग सो हार्ड फॉर अस, एंड यू नो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ, सो यू डिजर्व दिस। और अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सबको अवार्ड दे देती, बिल्कुल सबको भर भर के अवार्ड मिलते। ये एक्चुअली कोई भी चीज़ होती है, जब तक उसे अप्रिशिएट ना किया जाए तो उसका कोई मज़ा नहीं है। एक एक्टर भी तब काम करता है जब उसको, तब और अच्छा काम करने लगता है जब उसे अप्रिशिएट किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि अवार्ड के तौर पे, बट यू नो एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी समबडी हु अप्रिशिएट्स योर वर्क। सो द वे यू गाइज वर्क, एंड मुझे जो एक ही दिमाग में आया कि दिस इज़ मच नीडेड, ये बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों का काम अप्रिशिएट किया जाए, बिकॉज आई हैव सीन यू गाइज वर्किंग सो हार्ड एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर अस। एक एक फिल्म प्रमोशन, एक एक कोई भी प्रमोशन, आप लोग जो जिस तरीके से भागा दौड़ करते हैं, एक कपड़ों के लिए, कि स्टाइलिंग के लिए भी आप लोग इतना भागा दौड़ करते हैं, सो वी आर थैंकफुल दैट यू आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ऐसे ही कैप्चर करते रहो, मैं आपको हर साल ऐसे अवार्ड देती हूँ। अभी बस वो करने दीजिए क्रिएट, और आप ही लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। एक नॉर्मल लड़की हूँ मैं, मराठी लड़की, सपोर्ट कीजिए, मेरी फिल्म को बड़ा बनाइए और मुझे बड़ा बनाइए। आप लोगों के बिना हर कोई अधूरा है। सो दैट्स इट। Talented, she's very nice, she's a nice human being, so it's good to work with good people. That's it. बहुत अच्छा दोस्त है, और वो जब बिग बॉस में गया था तो मैं उसके लिए बहुत वोट किया है, जबकि मैंने ऐसे कभी ट्वीट नहीं किया उसके लिए, बट ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। सो बहुत मज़ा आ रहा है कि उससे मैं मिली बहुत टाइम बाद पार्टी में, सो एक अच्छा मोमेंट था जहाँ मिले, और वो फोटो इतना इधर उधर हो गया कि इट्स अ गुड थिंग। आप ही लोग करते हो, देखो मैं आपको बोलूँ ना, जितना थैंकफुल हम आप लोगों के लिए रहे उतना कम है। यू मेक अ स्टार, वी आर नो वन अदरवाइज। यार ये मराठी मुलगी का मुझे नहीं पता, बट शी वॉज ऑल्सो गुड आई गेस, एंड विकास वॉज ऑल्सो वेरी गुड, तो मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट करूँगी। सो विकास मेरे लिए बिना वो था, सॉरी। मैं बचपन से, हम लोग शायद हमारी जनरेशन उन्हें देखकर बड़ी हुई है, माधुरी दीक्षित जी, देवी, यू नो, वी हैव ग्रोन अप सीइंग
वॉचिंग देम एंड जब ये चीज़ें बाहर आई थी तो आई वॉज रियली अपसेट बट आई जस्ट विश कि हम में एक एक परसेंट श्रीदेवी जी का थोड़ा अंश आ जाए और उतना टैलेंट आ जाए कि शायद जो वो छोड़ कर गई है इतना सब कुछ यू नो अपने अपने टैलेंट से हम उतना कुछ एक एक परसेंट सब मिलकर थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री को दे पाए एंड वी रियली मिस यू मैम एंड यू वर सुपर्ब एंड यू विल ऑलवेज बी सुपर्ब थैंक यू तो नहीं अलग मैंने सिर्फ एक ब्लेजर पहना हुआ है ब्लैक एंड ब्लैक पैंट्स सो नथिंग मच बट हाँ मुझे अच्छा लगता है हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना इतनी अच्छा इसीलिए तो मैं आई हूँ आज मैं आप लोगों जैसा बनकर आई हूँ कि आपको ऐसे मैं अपनी सी लग थैंक यू सो मच थैंक यू गर्ल्स थैंक यू रितेश जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए सक्सेसफुली एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंडेबल अवार्ड्स फर्स्ट एडिशन थैंक यू सपोर्ट किया है तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस इवेंट को सपोर्ट कर सकता हूँ आई थिंक इट्स अ सेकंड ईयर आई थिंक इट्स वंडरफुल क्योंकि जब आप अब्रॉड जाते हैं तो दे फैसिलिटेट द प्रेस सो आई थिंक इट्स वंडरफुल टू लेट जर्नलिस्ट एंड एंटरटेनमेंट एडिटर्स एंड राइटर्स हु गेट अवॉर्डेड सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस देखो 100% वैल्यू है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से मैं आउटसाइडर हूँ तो जब आपको मीडिया का सपोर्ट मिलते हैं या अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं यू नो दे पुट यू इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट आई थिंक इन माय लाइफ यू गेट नेगेटिव एंड यू गेट पॉजिटिव बट यू स्टिल नीड देम I'm doing a film right now called Boomerang, which is a South movie, directed by Ayar Kannan. So I'm leaving tomorrow to go shoot. So I'm glad I can be here and support everybody. Thank you so much. Thank you. अच्छी बात है कि हर एक ने अपना अपना हार्ड वर्क एफर्ट डाला है इसमें और सबको इसकी रिकग्निशन मिल रही है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए अच्छी बात है चलना चाहिए ना ये दौरा चल रही है न्यूज़ देखो अभी बात हो रही है सब जगह इज वर्किंग मेहनत कर रहा है वो लगा हुआ है सब कुछ जो करना चाहिए लॉन्च के पहले मे बी नेक्स्ट ईयर देखो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है 21 साल से हूँ साथ में और आगे भी 21 साल तक और या और आगे देखते हैं लेकिन इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा और ऐसे आदमी के साथ रहना बहुत बड़ी बात है वेरी गुड हमें समझा नहीं क्या जर्नलिस्ट का रोल प्ले करता है हाँ मैंने देखा था ना वो जेसिका रानी मुखर्जी की वेरी गुड बहुत अच्छा था आई लव द मूवी ऑल्सो वेरी गुड देखो मैं अपने काम से रिलेटेड मतलब रखता हूँ वो जो चीज़ मेरे उसमें नहीं है और मुझे मालूम है कि मैं अपना काम 21 साल से अच्छा कर रहा हूँ ये फील्ड में तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये फील्ड छोड़ के या कुछ और सोचना चाहिए तो मैं अपनी सिक्योरिटी को सोच के और कुछ सोचता नहीं हाँ अभी या इस पार्ट ही विल बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड अभी उसकी ही इज डूइंग इट वर्किंग ऑन इट और मे बी नेक्स्ट ईयर
लगता नहीं मेरी और मीडिया की कभी परेशानी हुई है बीच में। 21 साल में तो ऐसा लगता नहीं मेरा और मीडिया का झगड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी कोई मीडिया वाला कोई ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए आता है या वो ज़्यादा कैमरा लेके ऊपर आता है तो फिर थोड़ा बहुत तो यार उतना तो करना ही पड़ता है फिर। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।